हेडशॉट हेडशॉट हेडशॉट। अभी के टाइम पर अगर हम लोग हेडशॉट नहीं मार पाते हो तो आप लोग सीधी बात है, आप लोग बॉड हो। गाइस अभी के टाइम में हेडशॉट मारना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है, बस आप लोगों को कुछ सेटिंग्स फॉलो करना है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को टॉप 5 ऐसे सेटिंग्स बताऊँगा जिससे आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ रेड नंबर हेडशॉट ही लगेगा और एकल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना, कभी भी मैं कुछ भी सेटिंग दिखा सकता हूँ। टॉप 5 बेस्ट सेटिंग बताऊँगा इससे आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट लगेगा। अगर आप लोग 2GB 4GB किसी भी रैम पे खेलते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबका बताऊँगा, सबका हेडशॉट लगेगा, ठीक है ना। तो गाइस इसको एंड तक देखना, वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। और अभी बात करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए सेटिंग की तरह, गाइस पहला जो सेटिंग है वो है आप लोगों का डिस्प्ले सेटिंग। ये सबसे पहले तो आप लोगों को डिस्प्ले सेटिंग सही करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का हाई डिवाइस है तो आप लोग स्मूथ में खेलोगे तो आप लोग कैसे का हेड शॉट लगेगा। अगर आप लोगों का लो डिवाइस है तो आप लोग स्टैंडर्ड अल्ट्रा पे खेलते हो तो कैसे हेड शॉट लगेगा। तो इसको पहले सही करना पड़ेगा, ठीक है ना। गाइस पहले बात करते हैं लो डिवाइस जो 2GB 3GB 4GB रैम में गेम प्ले करता है वो लोग क्या रखेगा। मैं भी 4GB रैम में गेम प्ले करता हूँ और मैं स्मूथ रखकर हाई रखता हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोग 2GB 3GB में खेलते हो तो आप लोग स्मूथ रखकर हाई मत करना FPS को, FPS को नॉर्मल कर लेना। अगर आप लोग 4GB में खेलते हो मेरी तरह तो इसको हाई रख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे बहुत ज़्यादा हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग 2GB 3GB खेलते हो तो इसको जरूर से नॉर्मल रखना, क्योंकि अगर आप लोगों का लैग होगा तो कैसे आप लोग हेडशॉट मार पाओगे, ठीक है ना। अगर आप लोग 4GB में खेलते हो तो इसको हाई रख लेना। हाई बात करते हो जो 6, 8, 12GB में खेलता है, ठीक है ना। अगर आप लोग 6GB में खेलते हो सिर्फ और सिर्फ 6GB रैम में तो आप लोग स्टैंडर्ड रख सकते हो, ठीक है ना। इससे स्टैंडर्ड रखने से आप लोगों का गेम बिल्कुल भी लैक नहीं होगा और हेडशॉट बहुत ज़्यादा लगेगा। और FPS को आप लोग हाई रख लेना 6GB में। अभी बात करते हैं जो 8GB और 12GB में खेलते हैं, 12GB में खेलते हैं वो लोग क्या रखेगा। गाइस आप लोग रख सकते हो अल्ट्रा, अल्ट्रा पे रखने से आप लोगों का गेम प्ले तो स्मूथ चलेगा ही चलेगा और हेडशॉट बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों का 8GB और 12GB रैम मोबाइल है तो आप लोगों का ऑटोमेटिक हेडशॉट लगता है यार, आप लोग कैसे नहीं मार पाते हो मेरे को नहीं पता। अगर आप लोगों का 8GB और 12GB रैम मोबाइल है तो आप लोग अल्ट्रा रख सकते हो। सो ये था फर्स्ट सेटिंग। यही बात करते हैं सबसे मेन सेटिंग्स, सेंसिटिविटी सेटिंग्स, ठीक है ना। सेंसिटिविटी सेटिंग्स आप लोगों को सबसे अच्छा करना पड़ेगा, सबसे अच्छा सबसे। बस मैं पहले लो डिवाइस से स्टार्ट करता हूँ। जो 2GB 3GB 4GB रैम मोबाइल में खेलते हैं वो लोग क्या रखेगा। वो लोग सबसे पहले बात कर ले जनरल, जनरल आप लोग रख सकते हो जो 2GB 3GB 4GB में खेलते हैं। जनरल आप लोग 99 या तो 100 रखो, 99 या तो 100 रखो। और रेड डॉट की बात करते हो, रेड डॉट आप लोग 99 या तो 100 रखो रेड डॉट भी। और 2X की बात करें तो 2X आप लोग थोड़ा कम रखना, जैसे कि 80 या 90 में रखना, ठीक है ना। और 4X को आप लोग रखना 100, क्योंकि 4X ज़्यादा ट्रैक करने में थोड़ी मुश्किल होता है, तो 4X को 100 रखना, इससे बहुत आसानी हो जाएगा। और स्नाइपर को आप लोग 97 से 98 के बीच में रखना, ठीक है ना। और फ्री लुक आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, अगर मेरी सलाह मानो तो आप लोग फ्री लुक 75 से 70 के बीच में रखना। ये था लो डिवाइस में सेंसिटिविटी। एंड अभी बात करते हैं जो लोग हाई डिवाइस में खेलते हो, हाई डिवाइस में थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी पहले से ही होता है। तो हाई डिवाइस में जो लोग खेलते हो और जनरल 99 रखे और रेड डॉट को थोड़ा कम करके 90 कर ले, ठीक है। और 2X को आप लोग 100 कर लेना और 4X को थोड़ा कम कर लेना 97। और स्नाइपर की बात करें, स्नाइपर आप लोग थोड़ा कम करके 90 कर लेना। और फ्री लुक की बात करें तो फ्री लुक आप लोग 60 या फिर 50 रख सकते हो, है ना। इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेड शॉट लगेगा अगर आप लोग हाई डिफेंस करते हो। और लो डिफेंस मैंने बता दिया। तो ये था सेकंड सेटिंग एंड सबसे मेन सेटिंग, और इसको आप लोग सही कर लेना अगर आप लोगों का गलत हुआ तो। गाइस अभी बात करते हैं जो थर्ड सेटिंग है, तीन नंबर सेटिंग। इस सेटिंग को भी आप लोग भूल से मिस मत करना, ये सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है आप लोगों का फायर बटन का साइज। आप लोगों का फायर बटन का साइज क्या है, साइज कितना है आप लोगों का फायर बटन साइज। आप लोग वो क्या करते हो कि एक मिस्टेक की बहुत छोटा कर ले तो बहुत बड़ा कर ले तो ऐसा नहीं करना। आप लोगों का फायर बटन साइज सही करना पड़ेगा। फायर बटन साइज आप लोगों को मैं सलाह दूँ तो 40 से 45 के बीच में रखना, इससे कम भी नहीं रखना, इससे ज़्यादा भी नहीं रखना। 40 से 45 के बीच में रखना, इससे बहुत ज़्यादा हेडशॉट लगेगा, मैं कसम से बता रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा हेडशॉट लगेगा 40 से 45 के बीच में रखना। अभी बात करते हैं जो पोजीशन, चार नंबर सेटिंग जो है फायर बटन पोजीशन। आप लोगों को फायर बटन पोजीशन हमेशा नीचे की तरफ रखना पड़ेगा, ना कि इस साइड ना कि ऊपर की तरफ। आप लोग हमेशा नीचे की तरह रखने की कोशिश करना पड़ेगा, मतलब ये जो आप लोग काला वाला बक्सा देख पा रहे हो इससे
ऊपर मत रखना और इससे इधर भी मत रखना, ये जो है इसके बीच में रख सकते हो या फिर इसके नीचे में रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये था फॉरवर्ड एंड साइड एंड पोजिशन चला गया। अभी बात करते हैं मेन सेटिंग जो कि आप लोगों को रखना पड़ेगा, क्विक ओपन स्विच, ठीक है ना। क्विक ओपन स्विच को आप लोगों को यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप लोगों को क्विक ओपन स्विच को यूज़ करना नहीं आता तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को क्विक ओपन स्विच यूज़ करना सिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्विक ओपन स्विच ऑन करना पड़ेगा, इससे आप लोगों का हेडशॉट मारना पड़ेगा वांटेड हेडशॉट। तो इधर फाइव समर सेटिंग एंड वीडियो इधर मेरी ख़त्म होता है। ये सेटिंग सबसे अप्लाई कर लेना, आप लोगों का 100% गारंटी है हेडशॉट लगेगा। तो आज तक यही था वीडियो, चलते गाइस, टाटा बाय बाय।